हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज मेरे साथ है मेरी कलीग प्राची बाहे थी, जिनसे हम डिस्कस करेंगे रोटेटर कफ इंजरी के टेस्ट के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर कोई पेशेंट आपके पास शोल्डर पेन को लेकर आता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको रोटेटर कफ इंजरी है या नहीं है, रोटेटर कफ इंजरी में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है और इनको टेस्ट कैसे किया जाता है स्पेसिफिक मसल्स को, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। रोटेटर कफ ग्रुप ऑफ मसल्स और टेंडन से मिलकर बना होता है, जो कि शोल्डर को स्टेबलाइज करने का काम करता है। दोस्तों, रोटेटर कफ चार मसल से मिलकर बना होता है, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, सबस्कैपुलरिस और टीरीज माइनर। तो चलिए अब देखते हैं इन मसल्स के स्पेसिफिक टेस्ट को। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं सुप्रास्पिनेटस मसल की टेस्टिंग के बारे में। हम पेशेंट को 90 डिग्री शोल्डर लिफ्ट करने के लिए कहेंगे, जो ये थंब है वो डाउनवर्ड इंडिकेट करेगा, और जो हम पेशेंट को हाथ उठाने के लिए कहेंगे, और चलिए शब्बीर अपना हाथ उठाइए, और थेरेपिस्ट इस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा। इस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट पेन और डिस्कम्फर्ट फील करता है तो ये इंडिकेट करता है सुप्रास्पिनेटस मसल की टीयरिंग के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मसल के बारे में, जो है इंफ्रास्पिनेटस। हम पेशेंट को एल्बो इस पोजीशन में रखने के लिए कहेंगे और हाथ को बाहर निकालने के लिए कहेंगे। शब्बीर अपना हाथ बाहर निकालिए, और थेरेपिस्ट जो है वो इस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा। अगर इस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को पेन फील होता है तो ये इंफ्रास्पिनेटस मसल की वीकनेस को इंडिकेट करता है। बात करते हैं नेक्स्ट मसल के बारे में, दिस इज सबस्कैपुलरिस। चलिए शब्बीर आप पीछे घूम जाइए। हम पेशेंट के हैंड को जो है इस पोजीशन में रखेंगे और पेशेंट को कहेंगे हाथ को बाहर निकालने के लिए, और हमारा जो प्रेशर है वो अंदर की तरफ रहेगा। शब्बीर अपना हाथ बाहर निकालिए, एंड थेरेपिस्ट विल बी रिस्ट्रिक्ट दिस मूवमेंट। अगर पेशेंट को इस मूवमेंट में पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता है तो उसका कारण सबस्कैपुलरिस मसल की वीकनेस हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रोटेटर कफ की लास्ट मसल, जो है टीरीज माइनर। इस मसल की टेस्टिंग के लिए हम पेशेंट के शोल्डर को 90 डिग्री लेफ्ट करेंगे, एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स करेंगे। पेशेंट जो है वो पीछे की तरफ धक्का लगाएगा और थेरेपिस्ट जो है वो आगे की तरफ इस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा। शब्बीर पीछे धक्का लगाइए, एंड इस मूवमेंट के दौरान पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट फील होगा तो ये होगी टीरीज माइनर मसल की वीकनेस। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।